नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम इलेवन मनी में। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहां पर देख सकते हो जो क्वालिफायर सेकेंड मैच होने वाला है कल विशाखापत्तनम में खेला जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। प्लेइंग अलेवन इंपॉर्टेंट प्लेयर देखने वाले हैं, बहुत कुछ न्यूज़ है यहाँ पर। मैं अब बात करूँ यहाँ पे तो डेप्थ एनालिसिस आपको डीपली कवर करके दूंगा, इसमें क्या पिच कंडीशन हो सकता है और क्या यहाँ पर प्लेयर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जो कि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा, वीडियो भी सबसे पहले देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पर फैंटेसी पावर 11 पर बहुत अच्छा विनिंग होता है, आप भी खेलोगे तो 1000-1500 पर डे आराम से विन कर लोगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा लो कंपटीशन है। तो खेलो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको समझ में ना आया तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक होगा, वहाँ से आप देख सकते हो, सब कुछ प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक के थ्रू आपको पेटीएम के थ्रू दोनों के थ्रू आपको मिल जाएगा, जो कि विड्रो है, फास्ट विड्रो है, इंस्टेंट है, 5 मिनट के अंदर मिलता है। अब यहाँ पर आपको कैश बोनस है जो 100% बैक ऑफर भी चल रहा है, 200 पे 200, उसके बाद 4000 पे 4000, 500 पे 500 रुपये कैश बोनस चल रहा है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर क्रेडिट पॉइंट जो मेंटेन करना बहुत मुश्किल यहाँ पे नहीं होता, जैसे कि आप लोग ड्रीम इलेवन में देखे होंगे, एक मैंने टीम बना रखा, बेहतर टीम है, सारे बड़े प्लेयर को लिया है, लेकिन फिर भी मेरे पास यहाँ पे 3.5 का पॉइंट क्रेडिट बच रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं बड़े प्लेयर की बात करूँ तो डुप्लेसिस, धवन, श्रेयस अय्यर, वॉटसन, उसके बाद सुरेश रैना, विकेट कीपर में मैंने पंत को रखा, जो कि ड्रीम इलेवन में आप देखोगे तो इनका पॉइंट 10 मिलेगा। ऑलराउंडर से डेवन ब्रावो को मैंने रखा, उसके बाद यहाँ पे मुनरो को भी रख लिया। बॉलिंग सेक्शन से आप देख सकते हो कीमो पाउल, ताहिर, और इसके बाद यहाँ पर मैंने जो रखा है दीपक चहर, उसके बाद भी मेरे पास 3.5 क्रेडिट पॉइंट बच रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो क्रेडिट पॉइंट मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, बेस्ट वेबसाइट है, लो कंपटीशन, बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ, कैप्टन वाइस कैप्टन की देख लेंगे, बाकी मैं आपको डीपली कवर करूँगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कवर करता हूँ क्या परफॉर्मेंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर जो सेकेंड क्वालिफायर खेला जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, काम नहीं कर रहा होगा तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर या गूगल में, ड्रीम टू टीम ड्रीम इलेवन मनी के नाम से आ जाएगा, तो वहाँ पर जाओ, लिंक ज्वाइन हो जाओ। अब मैं दूसरा बात यहाँ पे करूँ तो जो आईपीएल का धमाका चल रहा है, पेटीएम अब आपको 100 रुपया मिलने वाला कल, आपको कहना क्या होगा, हाईएस्ट स्कोरर और हाईएस्ट विकेट टेकर कल के मैच में कौन होने वाला है, अब करना क्या होगा आपको, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बताना है कि कितना रन बनाएगा, कितना विकेट लेगा, सिर्फ आपको करना क्या होगा, हैशटैग ड्रीम इलेवन मनी, हैशटैग जो हाईएस्ट स्कोरर होगा रैना, हाईएस्ट विकेट टेकर ताहिर, ऐसे लिख देना है। तो आपको अगर जिसका क्वेश्चन आंसर सही रहा, करेक्ट सही होगा, तो आपको 100 रुपये पेटीएम पर मिल जाएगा। अब मैं सबसे पहले आपको बात करूंगा, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कवर कर लेता हूँ क्या प्लेइंग अलेवन हो सकते हैं, क्या स्कोर यहाँ पर हो सकते हैं, पूरा मैं आपको यहाँ पे डीपली कवर करूंगा। बाकी प्लेइंग अलेवन के हिसाब से मैं एक टीम बना रखा हूँ ड्रीम अलेवन बल्लेबाजी की भी, तो मैं आपको दिखाऊँगा क्या टीम है, उसमें कैप्टन वाइस कैप्टन की भी बात करेंगे। सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात करें तो ये मैच विशाखापत्तनम में खेला जाएगा, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट मैच देखा होगा वहाँ पर खेला गया था, 160-170 के बीच में एवरेज स्कोर होता है। यहाँ पर हेल्प होगा जो कि बोथ मीन्स यहाँ पे फास्ट बॉलर और स्पिनर दोनों को मदद करेगी, थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली है बट 170 बहुत होते हैं T20 में स्कोर। अब बात करूँ टोटल हेड टू हेड की, तो जो दिल्ली कैपिटल है CSK है, इन दोनों के बीच में अभी तक 20 मैच हुए हैं टोटल, दिल्ली कैपिटल 6 और यहाँ पर CSK 14 विन किए, यानी कि अपर लेवल की बात करूँ तो अभी यहाँ पे CSK आगे है, यानी कि CSK फेवरेट है, बेस्ट में आपको CSK, और इसके बाद यहाँ पर अब बात करूँ तो दिल्ली में 7 मैच खेले गए हैं, दिल्ली ने 2 विन किया, CSK 5, और चेन्नई में CSK 8 मैच खेला गया जिसमें CSK 6 विन किया, दिल्ली 2, यानी कि इन दोनों ग्राउंड पे ये मैच नहीं खेला जाएगा, ये मैच खेला जाएगा यहाँ पे विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। इसका रिकॉर्ड आप देख सकते हो, यहाँ पर 160-170 के बीच स्कोर होने वाले हैं। अब मैं बात करूँ जो लास्ट मैच खेला गया, यहाँ पे पहले बेस्ट की बात करूँ तो धोनी और रैना, मुरली विजय दिल्ली के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं, और पंत यहाँ पर हैं, धवन की तो बात ही छोड़ दो, धवन
जो कि फर्स्ट टाइम दिल्ली के खिलाफ खेल रहे थे, दिल्ली की तरफ से खेले, उसके पहले आप लोगों ने देखा होगा हैदराबाद की तरफ से। बट मैं बेस्ट का आपको बात करूंगा, विकेट टेकर मोस्ट में डीजे ब्रावो डेथ ओवर में खेलेंगे कल, उसके बाद यहाँ पे डेथ ओवर में बॉलिंग कराएंगे। ताहिर बेस्ट में किमो पाउल मिश्रा, ये कुछ आपके अच्छे और इंपॉर्टेंट में रहने वाले हैं। ग्रैंड लीग के लिए मुरली विजय, तो अपनी टीम में कम्बिनेशन बना सकते हो मुरली विजय को ग्रैंड लीग टीम में। बाकी अब बात करूँ जो कल का मैच खेला जा गया था इसी ग्राउंड पे विशाखापट्टनम में, जिसमें मैं थोड़ा सा बात करूँगा आपको, टोटल विकेट गिरे थे 16 आप देख सकते हो। उसके बाद फास्टर ने 10 विकेट निकाले थे, स्पिनर ने 4 विकेट निकाले थे, यानी आप देख सकते हो यहाँ पे जो 60% आप बोल सकते हो, 60-70% के आसपास फास्टर ने यहाँ पर विकेट निकाले थे, 30 के आसपास जो कि यहाँ पर स्पिनर ने विकेट निकाले। एक रन आउट हुआ था ऑब्स्ट्रैक्टिंग, मतलब कि एक बाधा के कारण यहाँ पर रन आउट दे दिया गया था जो कि 16 विकेट में। तो ये कुछ आपके लिए अच्छा रहेगा, जो फास्टर आप थोड़ा सा रख सकते हो, स्पिनर भी यहाँ पे दोनों को मदद करेगी, तो हमको कम्बिनेशन बना के चलना होगा, 2 स्पिनर उसके बाद हम 3-4 फास्टर अपने टीम में रख के चलेंगे। तो इस कुछ कम्बिनेशन से, बाकी अगर प्लेइंग 11 में कोई भी अपडेट या बदलाव होता है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देता हूं, तो आप लोग जाओ वहां पर जुड़ जाओ। ड्रीम टू टीम सर्च कर लो डायरेक्ट गूगल पर, ड्रीम अलेवन मनी के नाम से आ जाएगा, आप वहां पर जाओ, आपको टीम भी मिल जाया करेगी। अगर कोई चेंजेस नहीं हुआ यूट्यूब टीम का तो बेस्ट है, वहां न्यूजेज भी इंजरी भी सब कुछ आपको मिलती रहेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो बात मैं कर रहा हूँ, सबसे पहले प्लेइंग 11 CSK की बात करूँ तो मेरे हिसाब से कल CSK विन करने वाली, आप अपना रिव्यू देख सकते हो कमेंट में कौन सा विन करने वाली। वाटसन है, डुप्लेसिस है, रैना है, धोनी है, उसके बाद मुरली विजय है, केदार जाधव इंजर्ड है, पूरे IPL नहीं खेलेंगे, IPL में बचा नहीं है, 2 मैच है। उसके बाद राइडू है, रविंद्र जडेजा, डीजे ब्रावो को लोग भूल चुके हैं। मैं तो कहूँगा कल अपनी टीम में ग्रैंड लीग में भी आप अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन के रूप में रख सकते हो। डेथ ओवर में बॉलिंग कराएंगे, विकेट निकाल सकते हैं दीपक चहर, हरभजन सिंह, इमरान ताहिर, बेहतर में आपको इमरान ताहिर आप देख सकते हो विकेट से भरा हुआ, उसके बाद हरभजन सिंह भी, दीपक चहर, इनके मेन बॉलर में यही 3 है, बाकी डीजे ब्रावो भी बेहतर। अब मैं आपको बेस्ट की बात करूँ तो वाटसन कुछ मैच ऐसे खामोश हैं बट उनका बल्ला बोल सकता है, फाइनल सेमीफाइनल में बहुत अच्छी बॉली, बहुत अच्छा खेलते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको पास बेस्ट में ऊपर से 3 रखने होंगे, सेन वाटसन, डुप्लेसिस, रैना, धोनी तो वर्ल्ड के नंबर 1 फिनिशर बेटर हैं, मैं इनके बारे में नहीं बोल सकता, आप चाहो रख लो या ना रख लो, बेहतर हैं, बेहतर से बेहतर आप इनको अपनी टीम में रख सकते हो। बाकी अब उसके बाद मैं बात करूँ ऊपर से 4 अपने टीम में, वाटसन, डुप्लेसिस, रैना, धोनी, ये आपको रख लेने होंगे 4। उसके बाद यहाँ पे मेरे हिसाब से बेस्ट में ब्रावो होने वाले हैं, दीपक चहर, इमरान ताहिर, 4-3-7 प्लेयर आपको यहाँ से, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के, यानी कि यहाँ पे धोनी के धुरंधरों में से 7 प्लेयर आप रख सकते हो। उसके बाद दिल्ली के पलटन की हम बात कर लेते हैं, आपको जो यहाँ पर बेस्ट हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम प्लेइंग 11 की बात करें तो पृथ्वी शॉ हैं, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, लास्ट मैच फ्लॉप रहे हैं, पंत अटैकिंग, और जो इन्होंने जीतने का दहलीज पे ले जाके खड़ा कर दिया था, उसके बाद किमो पाउल ने विनिंग करा के निकले, रुथफोर्ड हैं, कोलिन मुनरो, कोलिन इंग्राम, दोनों को बदला जा रहा है, किसी को भी खिलाया जा सकता है, अक्षर पटेल हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रेट बोल्ट भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एक विकेट निकाले थे लास्ट मैच में। ईशान शर्मा 2 मैचों से घातक बॉलिंग कर रहे हैं, 3 विकेट, 2 विकेट अमित मिश्रा, 1 विकेट निकाले थे, इनको अब्स्ट्रैक्टिंग में रन आउट दे गया। किमो पाउल लास्ट मैच खेले थे, 3 विकेट निकाले थे, जो कि डेथ ओवर में बॉलिंग किए, तो फिर से डेथ ओवर में बॉलिंग करते तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, डेथ ओवर में विकेट चांस रहता है कि एकाद जरूर निकल जाएगा बट 100% श्योर नहीं होता है। बेस्ट की मैं बात करूँ तो आप लोगों के पास यहाँ पर इसमें भी ऊपर से 4 पृथ्वी शॉ, धवन, श्रेयस अय्यर, पंत, बट यहाँ पर मैं अब बात करूँ तो धवन, अय्यर, पंत 3 बेटर, चाहो तो पृथ्वी शॉ को भी ले सकते हो, ये भी एक अच्छे इंपॉर्टेंट में है। उसके बाद अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो किमो पाउल, मिश्रा,
ईशांत शर्मा, ये कुछ अच्छे में इंपॉर्टेंट में है, तो यहाँ से भी आपको 6-7 प्लेयर एक बेहतर में मिल जाएंगे, तो इन्हीं को अपने टीम में कम्बिनेशन बनाइए। अब मैं बात करूँ आपका परफॉर्मेंस बेस पे, जिसमें आप देख सकते हो धवन अच्छी परफॉर्मेंस करते आए हैं, उसके बाद लास्ट 2 मैच में 19-17 बनाए, उसके बाद श्रेयस अय्यर बेहतर परफॉर्मेंस, पंत भी एक अच्छी और अटैकिंग, चेन्नई के खिलाफ बेहतर प्लेयर, चेन्नई के खिलाफ बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, तो मैं इन्हीं के साथ जाऊंगा। बट आप लोग देख लेना, बाकी मैं अब टीम बना रखा हूँ प्लेइंग 11 के हिसाब से आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या कम्बिनेशन बना रखा है। अब देख सकते हो यहाँ पे बल्लेबाजी के बारे में बात करूँगा अभी, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो बल्लेबाजी के पेज में यहाँ से भी एक अच्छा विनिंग करके लेके जा सकते हो, बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, विनिंग चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसकी मैं बात करूँ तो मैं कल का मैच आपको दिखाऊँगा, बात कर रहा हूँ जो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 टाइप से आप टीम बना सकते हो, क्लासिक, बैटिंग, बॉलिंग। मैं तीनों टाइप को आपको समझाने की कोशिश करूँगा। क्लासिक मीन्स बोले तो यहाँ पे आप बैटिंग, बॉलिंग, ऑलराउंडर सबसे पिक कर सकते हो, सबका पॉइंट मिलेगा। बैटिंग से सिर्फ बैटमैन्स, 5 बैट्समैन्स रख सकते हो, सिर्फ रन बनाने का पॉइंट मिलेगा, विकेट और यहाँ पे स्टंपिंग का नहीं मिलेगा। बॉलिंग से सिर्फ 5 बॉलर उसमें जो कि ऑलराउंडर भी ले सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बॉलिंग का ही आपको पॉइंट विकेट का ही मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं बहुत सारे आपको ज्वाइन कर रखा हूँ, आप यहाँ पर 0 जो कि 5 जगह का फ्री लीग भी है, तो आप ज्वाइन करिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपको दिखाऊँगा बॉलिंग की एक टीम बना रखा हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या ये तो मैंने आपको ये क्लासिक का टीम बना रखा, आपको देख सकते हो यहाँ पे, आप पॉज करके वीडियो देख लीजिए, बाकी अपडेट करेंगे। बॉलिंग से यहाँ से मैं बात करूँ तो इमरान ताहिर को कैप्टन, डीजे ब्रावो को वाइस, अमित मिश्रा है, दीपक चर, कीमो पाउल, कुछ भी चेंजेज हो सकता है अगर कोई प्लेइंग 11 में अपडेट होता है तो, बाकी इसका पैकअप बहुत पहले हो जाता है, आधा घंटा पहले, तो कोई न्यूज इंजरी के अगर आती है तो अपडेट होगा, उसके अनुसार यहाँ पर चेंजेज भी हो सकते हैं। बाकी मैं आपको ड्रीम 11 टीम बना रखा हूँ, वहाँ पर दिखाता हूँ क्या कम्बिनेशन है मैंने बना रखा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो विकेट कीपर सेक्शन से मैंने पंत को रखा, धोनी भी उतने ही बेहतर हैं जितना कि पंत, आप इसमें से किसी को भी अपने टीम में रख सकते हो, आप ये आपके ऊपर है, बाकी मैं इसमें से आपको नहीं बोलूँगा कि आप इसको रखो, थोड़ा सा स्लाइटली बेटर में मेरे हिसाब से धोनी भी हो सकते हैं, मैं पंत के साथ जा रहा हूँ, आप धोनी के साथ जा सकते हो। बैटिंग सेक्शन से 5 रखा यहाँ पे, शिखर धवन, उसके बाद सुरेश रैना, उसके बाद सेन वाटसन, फॉफ डुप्लेसिस, आप देख सकते हो पृथ्वी शॉ को मैंने रखा। अगर क्रेडिट पॉइंट मेंटेन कर लेते हो तो अय्यर बेहतर प्लेयर हो सकते हैं, आपके पास अपनी टीम में रख सकते हो, बेहतरीन प्लेयर हैं तो इनको अपनी टीम में रख सकते हो। बाकी रायडू ग्रैंड लीग के लिए, मुनरो भी वही है ग्रैंड लीग के लिए, उसके बाद आपके पास मुरली विजय जो कि बेहतरीन है ग्रैंड लीग में, बेहतर आपको परफॉर्मेंस दे सकते हैं, दिल्ली के खिलाफ बहुत अच्छी बॉलिंग बैटिंग करते हैं सॉरी। तो ये कुछ अच्छे में इंपॉर्टेंट में, बाकी इतने कोई सेफ में बेस्ट में नहीं तो अपनी टीम में मत रखिएगा। ऑलराउंडर सेक्शन से सिर्फ मैंने 1 रखा है डेवन ब्रावो। अब यहाँ पर बात करूँ तो रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, ये दोनों ही बेस्ट में हैं, रुथफोर्ड भी एक अच्छे ऑप्शन में है, तो चाहो आप रख सकते हो। बाकी मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डेवन ब्रावो के साथ जा रहा हूँ, इनको बहुत कम लोगों ने सिलेक्शन किया होगा, आप दिखाना चाहूँगा 32% लोगों ने सिलेक्शन किया है, मैं इनके साथ जाऊँगा। आप चाहो तो अक्षर पटेल और रुथफोर्ड, जडेजा को रख सकते हो, बाकी आपके ऊपर है। बॉलिंग सेक्शन से मैंने 4 रखा है यहाँ पे, इमरान ताहिर, उसके बाद यहाँ पर दीपक चहर और यहाँ पर अमित मिश्रा, उसके बाद मैंने कीमो पाउल को रखा है जो डेथ ओवर में बॉलिंग कराएंगे तो बेस्ट हो सकते हैं। आपके पास यहाँ पे ट्रेड बोल्ट भी अच्छे हैं, ईशान शर्मा बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, ये कुछ बेहतरीन में है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास हरभजन सिंह भी है, तो हरभजन सिंह हो गए और यहाँ पर ईशान शर्मा हो गए, उसके बाद आपके पास यहाँ पे ट्रेड बोल्ट हो गए, और यहाँ पर मैं बात करूँ तो कोई उतना सेप में नहीं है, आप इन्हीं को अपने टीम में रख सकते हो। मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करेंगे, उससे पहले मैं आप देख सकते हो यहाँ पर बात करता हूँ आपके लिए। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने फैंटेसी 11 के पेज पर आ गया हूँ, यहाँ पर आप नहीं खेल रहे हो तो खेलना स्टार्ट कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, आप यहाँ पर मोबाइल विन कर सकते हो, सैमसंग गैलेक्सी M10 करके 1 साल के लिए नेटफ्लिक्स आपको मेम्बरशिप भी मिल जाएगी जो कि बेस्ट है, लो कंपटीशन नहीं यहाँ पर, नो कंपटीशन है, तो लिंक ज्वाइन करिए और खेलना स्टार्ट कर दीजिए 100%, किसी में बोनस भी यूजेबल है, 30 रुपये आप 50 रुपये आपको मिलेंगे यहाँ पर, तो जाइए खेलिए। प्रीव्यू दिखा देता हूँ, कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं आप लोगों, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ, कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करेंगे यहाँ पे, कैप्टन डुप्लेसिस वाइस कैप्टन धवन, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए,
मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप यहाँ पर कैप्टन पंत को भी रैना वाट्स, ये सेन वाटसन है, ये कुछ अच्छे में बेस्ट में है, बाकी बेस्ट में मेरे हिसाब से भी एक अच्छे इंपॉर्टेंट में है, तो आप कैप्टन खुद से बनाएंगे तो बेटर होगा। तो फ्रेंड तब तक के लिए थैंक यू बाबा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मैच में। बेस्ट आप लग, थैंक यू, लाइक कर दीजिए, थैंक यू।